क्लास 9 मैथ में जो है चैप्टर 8 है, जो कल जो है इसके वीडियो में, इसके पहले वीडियो में जो है सॉल्व किया था, कुछ थ्योरम कुछ एग्जांपल्स जो है सॉल्व हुए थे। तो यहाँ से अनदर कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम, यानी कि कुछ दूसरा और भी कंडीशन है जो पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए। यू हैव स्टडी मैनी प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम इन विच द चैप्टर एंड यू हैव ऑल्सो वेरीफाइड दैट इफ ए क्वाड्रिलेटरल एनी वन ऑफ दोज प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड देन इट बिकम ए पैरेललोग्राम। वी नाउ स्टडी येट अनदर कंडीशन विच इज द लीस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम। तो दोस्तों इसमें थ्योरम है 8.8। थ्योरम क्या है 8.8? थ्योरम क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल जो है एक पैरेललोग्राम है इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी एक पेयर जो है अपोजिट साइड का जो है इज ए इक्वल एंड पैरेलल। यानी क्या है, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज ए इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि एक जो है इसका अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, ये कंडीशन है, तब ये जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि इसमें फिगर में जो दिया हुआ है इन विच ए बी बराबर जो है क्या है, ए बी बराबर जो है ये इसके सी डी के है एंड ए बी जो है और ये पैरेलल है, यानी ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, यानी ए बी और सी डी बराबर भी हैं और यहाँ पे जो है ए बी और सी डी जो है पैरेलल भी हैं। तो लेट अस ड्रा डायगोनल, यहाँ पे एक डायगोनल को ड्रा किया जा रहा है दोस्तों। तो आप जान सकते हैं कि ये जब पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन जो पैरेलल हैं, तो इनके जो है अल्टरनेट जो है इनके एंगल जो होंगे, इंटीरियर एंगल जो हैं बराबर होंगे, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, ए बी सी और ए सी डी यहाँ पे जो है यू कैन सो दैट ये इस ट्रेंगल को क्या है हमको कांग्रुएंट सिद्ध करना है। तो इसको कांग्रुएंट सिद्ध करने के लिए दोस्तों अब देखिए आपका ए बी बराबर जो है सी डी के है एक हो गया, उसके बाद जो है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया दो हो गया, उसके बाद जो है दोस्तों हमको जो है बी सी जो है ए डी यहाँ पे जो है जब ये हो गया, जब ये पैरेलल हो गया और बराबर हो गया तो हम ये चीज कह सकते हैं कि बी सी जो है ए डी के पैरेलल है। व्हाई क्यों, लेट अस नाउ टेक एन एग्जांपल टू अप्लाई द प्रॉपर्टी टू द पैरेललोग्राम। यहाँ पे जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हम कर सकते हैं पैरेललोग्राम होने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये साइड जो है पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये चूंकि डायगोनल बताया गया है, पैरेललोग्राम तो तब होगा जब ये इसके जो है एक पेयर जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको सिद्ध करने के लिए इसको ए बी सी डी को कांग्रुएंट सिद्ध कर देंगे। अब देखिए हमारा जो ये साइड जो होगा, ये एंगल जो है हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है बराबर होगा दोस्तों, यानी सामने का जो है एंगल ये बराबर हो जाएगा या कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा रूल आपका जो कांग्रेंट यस ए एस जो है कांग्रेंस रूल जो है होल्ड होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे ये चीज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको कांग्रेंट करने के लिए देखिए आपका दो साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया और देखिए ए सी जो है आपका यहाँ पे जो कॉमन है डायगोनल है ये आपका बराबर दोनों हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड जो है क्या है कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोस्तों कांग्रुएंट हो जाएंगे तो इस कंडीशन में कांग्रुएंट की कंडीशन में हम भी कह सकते हैं कि बी सी जो है पैरेलल है और बी सी जो है इसके बराबर भी है, यानी कि बी सी और ए डी जो है ये पैरेलल है और बराबर है। तो इस कंडीशन में जो है दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर जो ये चीज जो है एक आपका जो है ये साइड बराबर है और पैरेलल है तो कह सकते हैं कि ये जो है पैरेललोग्राम होगा। तो इस कंडीशन से जो ये सिद्ध हो जाएगा ये थ्योरम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज जो है आपका 8.1 जो है आ गया है। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, यानी एंगल जो है इस रेशियो में फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी एंगल को डिफाइन किए हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों जो है हम कोई नाम भी दे दें, इसका नाम दे दें हम, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, यानी क्वाड्रेटेरिया तो एक दिखने में एकदम पैरलोग्राम है, लेकिन चलिए हम कंसीडर नहीं करते हैं कि ये पैरलोग्राम है, हम इसका जो है रेशियो कुछ अलग अलग भी है, पैरलोग्राम नहीं है ये। तो इनका दोस्तों हम मान लेते हैं कि इनका जो है एंगल जो है एक हम मान लेते हैं कि रेशियो में जो है, तो रेशियो में जो है इसका एंगल जो है निकालने के लिए दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा किसी की जरूरत नहीं है उस तरीके का, क्योंकि इनका जो है आमने सामने का जो है एंगल जो है क्या होता है 180 होता है, ये चारों एंगल जो है 360 होते हैं, चारों एंगल जो है 360 होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके सॉरी आमने सामने का नहीं, मतलब इसका चारों एंगल जो है 360 डिग्री होता है, तो चारों एंगल जो है 360 डिग्री होते हैं दोस्तों। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट एंगल है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट एंगल है जो है इनका जो रेशियो 3, 5, 9, 13 का दिया हुआ है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंगल जो है 3/3 कितना हो जाएगा इसका रेशियो 13 और 9 हो गया 22, 13, 9, 22 और 22, 5, 27, 27, 3, 30, यानी कि 30 का जो है रेशियो हो गया, और 360 डिग्री टोटल होता है, 360 डिग्री जो है टोटल होता है। अब देखिए इसमें क्या हमारा हो गया, एक फर्स्ट एंगल जो है यानी फर्स्ट रेशियो जो हमारा निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, ये कट जाएगा हमारा और ये 3, 3 कट जाएगा, यानी कि दोस्तों ये 36 डिग्री का एक हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमारा हो जाएगा ये 5/2 जो है, यानी कि ये फर्स्ट एंगल जो है ये सेकंड एंगल हो गया, ये 5/30 हो गया गुणे 360। अब ये इसमें जो है यहाँ से इसको काट देंगे और 3, 3 यानी कि इतना हो गया 12, 25, 60, 160 डिग्री हो गया दोस्तों। उसके बाद तीसरा एंगल हमारा हो जाएगा 9/9/ यहाँ पे कर देंगे हम 30 और यहाँ पे जो है 360 डिग्री ये हो गया, यानी कि ये कट गया और ये जो है काट के 12 आ गया और ये हो गया 18 और 9, 10, 108 डिग्री हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है चौथा एंगल हमारा हो जाएगा ये है 13, 13/30 गुड़े ये 360 हो जाएगा, यानी आ जाएगा ये हमारा 13/12, 13/12 जो हो गया 12 36 की 6 और 12 12 3 15, यानी कि 156 डिग्री। तो दोस्तों ये साधारण क्वेश्चन है, ये निकल गया इस प्रकार से जो है, ये क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट जो है इस तरीके का साल हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है।